कैसे हैं आप सब मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है कि मैं तो चला अमेरिका मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे ट्रेवल किया हूँ और कैसे अमेरिका पहुँचाऊँ कौन सी फ्लाइट लिया क्या क्या चीज़ें देखी मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की मैंने तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है सो स्टार्ट करते हैं चलिए शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं अभी मैं शुरू कर रहा हूँ पंजाब से मैं निकल रहा हूँ और किसानों का जो चल रहा है आपको पता है प्रोटेस्ट तो आज एक्चुअली संडे है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बट हर जगह पे किसानों ने बंद किया हुआ है जैसे कि ये टोल प्लाजा है या फिर रोड्स हैं ब्लॉक हैं काफ़ी जगह पे तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आया बट मैंने अलग रोड पकड़ के चला गया था एयरपोर्ट पे मैं दिल्ली से ट्रैवल करने वाला हूँ इसलिए मुझे अलग रोड पकड़ना पड़ा जब मैं पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से मुझे दिल्ली जाना था तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नई होने वाली हैं मेरे साथ पहली बार जा रहा हूँ यू एस तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी है आप लोगों को बताना है ये एक रोड है हरियाणा का जहाँ से हम जा रहे हैं इस दिन काफ़ी सारे किसान अपने कार ट्रॉली वगैरह ले के पहुँच रहे थे दिल्ली और ये मेरा अलग रूट है जो मैंने नया पकड़ा था जहाँ पे मुझे ट्रैफिक बिल्कुल कम मिला तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने एक दिन पहले ही ट्रैवल शुरू कर दिया था ताकि मुझे मेरा फ्लाइट मिस ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना आए तो मैं एक दिन पहले जा कर के दिल्ली में रह गया था क्योंकि वहाँ पे एक होटल बुक किया हुआ था मैंने और तो सारी फैमिली को लेके आई गोज़ एंड सेज जैसे ही मेरा अंदर एंटर करता हूँ इमिग्रेशन के बाद आपको ये सब कुछ दिखता है इमिग्रेशन मैं दिखा नहीं सकता हूँ उसके पीछे रीज़न है आप वीडियो नहीं बना सकते हो तो जैसे ही आप अंदर जाते हो यहाँ पे काफ़ी सारा बड़ा मॉल जैसा आपको दिखाई देगा जिसमें हर एक तरह की विस्की है चॉकलेट्स हैं एंड एवरी क्योंकि मेरा बिजनेस क्लास था तो इसलिए मुझे एक लॉन्ज मिला हुआ था जहाँ पर मुझे बैठ के खाना था आप खा सकते हो पी सकते हो इवन कॉफ़ी मंगवा सकते हो फूड रात का तो मेरी सुबह चार बजे की फ़्लाइट थी तो मेरे अभी जो है वो बारह एक बजे का टाइम हुआ है मैं वेट करके यहाँ पे फिर उसके बाद फ्लाइट में जाता हूँ ये फ्लाइट में एंटर कर रहा हूँ स्पेशली ये फ़्लाइट का मेरा एरिया है मेरा है फोर एल तो ये स्लीपर्स एक्चुअली आप यहाँ पे सो सकते हो आराम से एक पर्सनल कैबिन मिल जाता है आपको जिसमें आपको पिलो स्क्रीन हर एक तरह का रिमोट के ऊपर ही बताया होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे बैठे बैठे तो ये जो है तो चलिए मैं बता देता हूँ ये मेरा सीट है जहाँ पे मैं बैठा हूँ और स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है सारा कैबिन मैं आपको दिखाऊंगा टूर कराऊंगा कोविड की वजह से हर एक जगह पर आपको मास्क लगा के रखना पड़ता है आप उतार नहीं सकते हो क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से ऐसा ही होता है जब फ्लाइट्स में आप रहते हो तो ज़्यादा वायरस फैलने का डर रहता है तो मैंने ये उतारा नहीं मैंने पहन के रखा होल फ्लाइट और एयर एयरपोर्ट पर भी लगा के रखा ये बहुत ज़रूरी है आप जब भी ट्रैवल करो तो ये ज़रूर करो और पहली बार है मेरा बिजनेस क्लास तो बिजनेस क्लास में मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हैं ये बाजू में भी एक कैबिन है वहाँ पर भी एक लोग आए हुए हैं ये मेरा एक कैबिन में एक छोटा सा पाउच दिया मुझे जिसमें सॉक्स हैं या आई होल्डर है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी प्रॉपर पाउच दिया है ओके फिर मिरर है नीचे आप मैंने मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया हुआ है हेडफोन्स हैं ये चार्जिंग पॉइंट है ये हेडफोन्स है जिसमें मैं मूवी देख सकता हूँ वो विंडो है जिससे आप बाहर देख सकते हो बट रात का टाइम था तो कुछ दिख नहीं रहा था सो अंधेरा था बाहर और ये अदर साइड में दिखा दूँ ये स्क्रीन है और ये रिमोट है साथ में ये रिमोट से आप पूरा ऑपरेट कर सकते हो अपना स्क्रीन को और नीचे मेरे आप पाँव देख रहे होंगे पाँव आपके नीचे चले जाते हैं आप आराम से सो जाते हो जिसमें आपको ब्लैंकेट भी दिया जाता है दो तरह के पिल्लो दिए जाते हैं बैक पेन के लिए अलग पिल्लो है और मेन जो हमारा सिंपल पिल्लो रहता है वो तो मिलता ही है सबको तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था ये मेरा बहुत मज़ा आया इस फ्लाइट में और ये फ़्लाइट जो इसका नाम है ब्रांड नेम है यूनाइटेड और सब लोग अभी अमेरिका ट्रैवल करने वाले ऑलमोस्ट इसी से ही ट्रैवल करते हैं क्योंकि इनका सर्विस अच्छा है और खाना भी अच्छा है क्योंकि इंडियन खाना मिलता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है जब आप ट्रैवल करते हो और जब आप प्रीमियम सर्विस लेते हो जैसे कि मैंने बिजनेस क्लास लिया तो आपको खाना भी अच्छा मिलता है और ड्रिंक भी जो आपको पीना है वही मिलेगा कॉफ़ी पीना है आ, अल्कोहल लेना है कुछ भी खाना पीना आपको तो सब ऑपरेट आपको वहाँ पे मिलता है आपको एक जस्ट बटन प्रेस करना है तो यहाँ पे ये बटन प्रेस करने से आ जाते हैं ये लाइट है और स्क्रीन बंद करना है तो ये सारे छोटे छोटे ऑप्शन हैं उसके ऊपर मोबाइल चार्जिंग के भी काफ़ी सारे पॉइंट दिए हुए हैं तीन से चार पॉइंट है तो मैंने रखे हुए हैं अलग अलग यहाँ पे देखिए यूएसबी पॉइंट है नीचे ऊपर मोबाइल चार्जिंग मेन जो सॉकेट है वो लगा सकते हो ये छोटा सा लैंप दिया है सोते वक्त बंद हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे ही स्क्रीन के नीचे एक ट्रे है जो खाना खाने के लिए आपको पुश करना होता है ये मेरे पाँव देखिए बिल्कुल अंदर तक ब्लैंकेट है ब्लैंकेट ओढ़ के सो जा सकते हो जैसे ही मैं अमेरिका पहुंचता हूं ये वहां का व्यू है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में पहुंच गया था सुबह तकरीबन छः बजे तो अभी सूरज वहां पे उगा नहीं था सनराइज़ नहीं हुआ था और अभी होने वाला है ये अलग-अलग एरिया के जो नाम है वो बताए हुए हैं मेरा जो दिल्ली से था फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को का एस एफ ओ ये एयरपोर्ट का नाम है तो वहाँ तक था वहाँ से फिर मैं बाई कार अपने घर तक गया तो काफ़ी डिफरेंट और मज़ेदार एक्सपीरियंस था मुझे एयरपोर्ट पे दो चीज़ें होती हैं पहले इमिग्रेशन होता है देन उसके बाद आपके लगेज में देखा जाता है कि क्या क्या आप लेके आए हो तो वो ध्यान से आपको लेके जाना होता है खाने की चीज़ स्पेशली नहीं लेके जानी होती आप लेके नहीं जा सकते हो वो ध्यान रखिएगा आपको जो ज़रूरी सामान है वो लेके जाइए अपने साथ ट्रैवल करिए लेके और मज़ेदार एक्सपीरियंस है यार यहाँ पे भी सेम उतनी ही ठंड है जितनी पंजाब में है या इंडिया में नॉर्थ एरिया में है उतनी सेम ठंड है यहाँ पर बट गर्भ के अंदर ज़्यादा पता नहीं चलता है ये साइनबोर्ड देखिएगा लॉस एंजल्स का क्योंकि हम सिलिकॉन वैली ये एक्चुअली एक मेन एरिया है इस जगह का सिलिकॉन वैली है जहाँ पे फेसबुक है या गूगल है और भी बड़े बड़े काफ़ी ब्रांड हैं जो जिन्होंने यहाँ पे अपने ऑफिसज़ मेन ऑफिस बनाए हुए हैं ये कैलिफोर्निया एक जगह है जहाँ पे स्टेट कैलिफोर्निया है और शहर का नाम एस है ओ है ये देखिएगा तो एल के बोर्ड आपको सारे दिख जाएंगे एले तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है आप बाय ड्राइव जा सकते हो लॉस एंजल्स और आज के लिए इतना ही फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपको मिलूँगा एक नया वीडियो लेके कि मेरा अमेरिका में मैं क्या क्या देखने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए नहीं हैं आपको दिखाऊँगा थैंक यू